What's up? Yeah, fine. Fine, good. So what's going in your classroom? Actually, my practical work is going in my class. Who's tracking practical? Actually, the students are going up performing the experiment that is based upon the Bernoulli theorem. Okay, I would like to see that. Okay, of course, why not, ma'am? So it's going to be taking place right now? Yeah. Okay. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे जो लेबोरेटरी में तो प्रतीक हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। हाँ राकेश, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? दो डिस्पोजल, एक स्ट्रोक, एक सीजर और एक बलून। सबसे पहले हम डिस्पोजल लेंगे, उसके नीचे होल करेंगे, फिर हम दूसरे डिस्पोजल की थोड़ी सी कटिंग करेंगे। देखिए, इसकी कटिंग ऐसे करनी है आपको, अच्छी तरह से। देखिए, ये गुब्बारा क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि बर्नौली थ्योरम कहती है जहां हवा की गति ज्यादा होती है वहां पर दबाव कम होता है। यहाँ पर देखिए, एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें प्रेशर कम लग रहा है। चलिए, अब हम दूसरा डिस्पोजल लेते हैं जिसके चारों ओर होल्स बने हुए हैं। तो हम इसके नीचे वॉइस स्ट्रो लगा देते हैं। देखिए, हमने स्ट्रो लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम बलून रखेंगे और फूंक मारना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब की बार बलून हवा में उड़ा, क्योंकि जब राकेश ने इसकी फूंक मारी तब एयर इनमें से पास हो रही थी, जिसके कारण एयर की वेलोसिटी कम थी और उसके ऊपर प्रेशर लगा, जिससे बलून हवा में उड़ा। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, फर्स्ट केस में आपने देखा होगा कि बैलून नहीं उड़ा और सेकेंड केस में बैलून उड़ गया। तो बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि जहां पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा। फर्स्ट केस में जैसे कि बच्चों ने आपको करके दिखाया कि राकेश ने ब्लो अप किया लेकिन गुब्बारा नहीं उड़ा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां एयर की वेलोसिटी ज्यादा थी जिसके कारण प्रेशर कम हुआ और गुब्बारा नहीं उड़ा। सेकेंड केस में जब स्टूडेंट ने जब ब्लो अप किया, जो कटिंग होल था उसमें देखा होगा आपने, गुब्बारा उड़ गया होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने एयर ब्लो अप करी, एयर लीकअप होगी बाहर निकल गई, जिसके कारण एयर की वेलोसिटी कम होगी, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा हो गया और गुब्बारा उड़ गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।